नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मुलायम ने कहा पार्टी में कोई मतभेद नहीं। परिवार में मचे घमासान के बीच सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने डैमेज कंट्रोल की कमान संभालते हुए शुक्रवार को कहा कि उनके परिवार में कोई मतभेद नहीं है और उनके रहते पार्टी में कोई फूट नहीं पड़ सकती। मुलायम ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फैसला पलटते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरने के बाद बर्खास्त किए गए खनन मंत्री के खिलाफ हुई कार्रवाई वापस लेने का ऐलान करते हुए विश्वास जताया कि अखिलेश उनकी बात को नहीं काटेंगे। अरुणाचल कांग्रेस में फिर बगावत। सीएम खांडू समेत 43 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस को शुक्रवार को उस समय जबरदस्त झटका लगा जब उसके केवल एक विधायक को छोड़कर मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित के सभी विधायक पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में शामिल हो गए। 2 महीने पहले कांग्रेस सरकार की बहाली के घटनाक्रम के बाद खांडू राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस के साथ अब केवल विधायक नबाम तुकी बचे हैं। कावेरी विवाद को लेकर तमिलनाडु में बंद द्रमुक नेता हिरासत में। कावेरी विवाद को लेकर तमिलनाडु में आहूत बंद के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे द्रमुक नेता एमके स्टालिन एवं कनिमोई समेत कई नेताओं को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया। कावेरी विवाद के मद्देनजर किसानों एवं व्यापारियों ने एक दिवसीय बंद का आह्वान किया है जिसका विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। इस बंद का राज्य में मिला जुला असर रहा। खबरों के अनुसार चेन्नई के भीतर और आसपास करीब 20,000 लघु एवं मध्यम स्तर की इकाइयां और कपड़ा उद्योग के केंद्र तिरुपुर में कपड़े की 30,000 से अधिक फैक्ट्रियां भी बंद रहीं। अरुण जेटली बोले जनधन खातों में जमा रकम की जांच कर रहे हैं बैंक। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के 4 बैंक अपनी शाखाओं में जांच कर रहे हैं जिससे यह पता लगाया जा सके कि जनधन खातों में पैसा खाता धारकों ने ही जमा कराया है या फिर शून्य शेष खातों की संख्या को कम करने के लिए इसे बिजनेस करस्पोंडेंट द्वारा जमा कराया गया है। एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ खातों के मामले में यह मुद्दा उठा है और पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बैंक ऑफ इंडिया का नाम सामने आया है। नासिक में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान 7 लोगों की मौत। नासिक जिले के विभिन्न भागों में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबने से शुक्रवार को 7 लोगों की मौत हो गई। मुसाल गांव थाने के अधिकारी ने कहा कि सिन्नार तालुका के मुसाल गांव में एक तालाब में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 युवक डूब गए। पुलिस ने शुक्रवार रात कहा कि वादी व रहे दवहड़ी पिंपलाड़ गाँव में 1-1 तथा नासिक शहर में 2 लोगों के डूबने से मौत की खबर है। तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।